नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। भू माफिया द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं लाखों की उगाही। पूरा मामला कानपुर के थाना जूही के अंतर्गत चौकी मिलिट्री कैंप साईपुरवा अंतर्गत भू माफिया राजेंद्र सोनकर, दीनदयाल सोनकर, रामू सोनकर द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बना रखा है। 70 से 80 कमरे हर महीने की लाखों रुपए की करता है उगाही। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं होती है भू माफिया पर कार्रवाई। माफिया राजेंद्र सोनकर और दीनदयाल सोनकर, रामू सोनकर सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरकार को लगा रहे हैं चूना। आखिर भू माफिया राजेंद्र सोनकर, दीनदयाल सोनकर और रामू सोनकर पर किसका आशीर्वाद प्राप्त है जिसके कारण नहीं होती कार्रवाई। अभी कुछ दिन पहले रामू सोनकर, राजेंद्र सोनकर, दीनदयाल सोनकर माफिया द्वारा 4 लाख की रेलवे की जमीन पर सिंचाई विभाग की जमीन बेची गई है। जूही थाना के जनता शाहीपुरवा के लोगों से बात करने पर जानकारी प्राप्त हुई, दीनदयाल सोनकर, राजेंद्र सोनकर द्वारा गरीब मजदूर लोगों को मार मार के भगा देते हैं और उनका मकान कब्जा कर लेते हैं। 70 से 80 कमरे जिसने कब्जा करके रखा हुआ है उसके कोई कागजात नहीं है। अब देखना ये होगा कानपुर के CP साहब कब करेंगे भू माफिया पर क्या कार्रवाई या नहीं।